नमस्कार दोस्तों, मैं आजाद पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रागी क्रांति में। मैं आज बात करने जा रहे हैं देश के किसान की, देश के अन्नदाता, देश के भगवान की। मैं आज बात करने जा रहा हूं देश के सही किसान। कहा है किसी ने, सही कहा है किसी ने कि जब बात की जब विषय किसानों का हो तो कोई आगे आना नहीं चाहता, किसानों के विषय को कोई उठाना नहीं चाहता। भारत में सबसे बड़ा जुआ भारत का किसान खेलता है, क्योंकि खेती में पैसा लगाकर उसे यह नहीं पता होता कि उसका पैसा डूबेगा या आएगा। आपको याद दिला दूंगा कि कुछ दिनों पहले आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। प्रशासन अभी तक मौन। उसने ना सोचा था कि कल कैसा होगा उसके द्वारा बोया हुआ रुपया पैसा होगा। जब किसानों से पूछा तो बोले, जो घोटता है हर बार सपनों का गला, विजेता इस बार फिर वही हुआ। इस आंधी के बाद उन किसानों का क्या होगा जो पट्टे पर लेकर खेती करते हैं? पट्टा तो क्या, उनकी फसल की लागत भी ना निकलेगी। चार सवाल पूछता हूँ, बतौर लेखक इन सवालों के जवाब मुझे देने चाहिए, लेकिन मैंने इतनी दुनिया नहीं देखी। पहला सवाल, किसान वोट क्यों देता है? दूसरा सवाल, किसान कैसी सरकार चाहता है? तीसरा सवाल, किसान आत्महत्या क्यों करता है? और चौथा सवाल, किसानों की कोई क्यों नहीं सुनता? इस वीडियो के द्वारा मैं प्रशासन के कानों में यह बात डाल देना चाहता हूँ कि आंधी और बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और एक बात और, मेरे दोस्त रुद्र पंडित के 30,000 सब्सक्राइब वाले यूट्यूब चैनल के परमानेंटली डिलीट होने के बाद रुद्रा की क्रांति के लिए वक्ता के रूप में मुझे चयन किया गया है, इसके लिए मैं रुद्रा की क्रांति का आभार व्यक्त करता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा की क्रांति को, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में, जब तक के लिए।